गाजियाबाद में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। गाजियाबाद में उप निरीक्षकों का ट्रांसफर हुआ, दो महिला उप निरीक्षकों को भी थाने का चार्ज मिला है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि गाजियाबाद में पुलिस विभाग में ये बड़ा फेरबदल हुआ है। गाजियाबाद में उप निरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है, जिसमें दो महिला उप निरीक्षक है, जिसमें उनको थाने का चार्ज मिला है। तो बड़ी अपडेट बता रहे हैं, जहाँ बड़ा फेरबदल किया गया है और गाजियाबाद में पुलिस विभाग में ये बड़ा फेरबदल हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर कश्यप जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। करणवीर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है और बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है? अब बिल्कुल देखिए, चुनाव चल रहा था और आदर्श आचार संहिता काफी प्रभावित थी, उसको लेकर के उसके बाद आदर्श आचार संहिता जैसे ही निष्प्रभावी हुई, उसके बाद गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने 10 दरोगाओं के ट्रांसफर किए हैं, उनको उनकी चौकी से हटा करके, उनके कार्य क्षेत्र से हटा करके अधिकतर को पुलिस लाइन में भेज दिया है। दो महिला सब इंस्पेक्टर हैं जिनको चार्ज दिया गया है, एक को महिला थाने का चार्ज दिया गया है, एक को निवाड़ी का चार्ज दिया गया है, जबकि एक महिला दरोगा को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए और तमाम तरह की कोशिशें करने के लिए अच्छी कानून व्यवस्था हो, ये फैसला लिया गया है। फिलहाल जो गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट का कहना है, जो उन्होंने आदेश जारी किया है, उसमें उस आदेश में उन इलाकों के लोगों के ट्रांसफर किए गए हैं, उन इलाकों के निरीक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं जहां पर चुनाव के दौरान या तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ हो या फिर अपराध जो का ग्राफ जो है अपराध का वो बढ़ा हो, इन तमाम चीजों को लेकर के फैसला किया गया है। गाजियाबाद पुलिस जो सहायक पुलिस आयुक्त हैं उनकी तरफ से ये जो फरमान जारी किया गया है और उसके बाद तत्काल प्रभाव से सभी दरोगाओं को, सभी निरीक्षकों को जहां जिसके सामने जो चीज लिखी है वहां पर प्रभार लेने के लिए, वहां पर पहुंचने के लिए कहा गया है। फिलहाल कानून व्यवस्था अच्छी रहे इस सब के नाते ये ट्रांसफर किए गए हैं गाजियाबाद में। जी बिल्कुल करणवीर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहे।